हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंस्टीट्यूट बटाला। आज हम एक और नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो आपके सामने है उसका नाम है कॉल बाय वैल्यू। यानी कि हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है कॉल बाय वैल्यू, जो हमारी वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। आप डायरेक्टली भी उसको यूज कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी। हम यहाँ पर आपको उसको फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डेफ, उसका नाम है स्वैप। जैसे कि आपने दो वैल्यूज़ को एंटर करवाया और उन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करके प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो पहले हमको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, कॉलन के साथ लगा दिया। और अब हमने एक वेरिएबल ले लिया सी एक्स्ट्रा, जिसको हम टेम्प्रेरी बोलते हैं या टेम्प बोलते हैं। उसको हमने वैल्यू असाइन करवा दी ए की और ए को बोला कि अब तू बी वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर ले। यानी कि बी का जो वैल्यू है वो ए को हमने कॉपी करवा दिया। और अब लास्ट हमने उसको बोला बी वाले को कि तू अपने पास ए का वेरिएबल का वैल्यू रख, और ए वेरिएबल का जो वैल्यू था वो स्टार्टिंग में हमने सी को पास कर दिया हुआ था। तो सी की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा ट्रांसफ़र करके देखते हैं। तो लास्ट पे हमने एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया ताकि हम उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देख सकें कि वो आपस में इंटरचेंज हुए या नहीं, यानी कि स्वैप हुए या नहीं। तो हमने डायरेक्टली एसटीआर ए और बी फंक्शन को कॉल करवा दी, स्लैश एन यूज़ कर दिया है हमने एंटर करने के लिए। तो अब अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा जो स्वैप फंक्शन का वर्किंग है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अब उनको यूज़ करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसको वैल्यू पास कर दी। उसके बाद एक वाई वेरिएबल, उसको भी डिफरेंट वैल्यू पास कर देते हैं जो आप देना चाहो। तो पहले हम डायरेक्टली उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं। हमने यहाँ पे छोटा सा मैसेज लिख दिया बिफोर स्वैप, एंटर करते हैं तो उसने वही चीज़ प्रिंट करवा दी। प्रिंट करवा देते हैं एसटीआर एक्स और वाई का वैल्यू। जैसे कि आप देख रहे हो 12 and 45 प्रिंट हुआ। अब हम स्वैप फंक्शन को कॉल करवाते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपने आंसर में ही हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देगा। हमने सबसे पहले एक्स पैरामीटर पास कर दिया और फिर वाई, यानी कि ए के पास वैल्यू गया 12 और बी के पास गया 45। और आप प्रिंट में देख रहे हो कि हमने प्रिंटिंग के लिए पहले ए का वैल्यू प्रिंट करवाया और फिर बी का, यानी कि स्वैपिंग होने के बाद पहले 45 आना चाहिए और फिर 12। तो देखते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद जो हमारा आंसर है वो पहले 45 है और फिर 12। ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन, जिसमें आप यूज़र डिफाइन फंक्शन को यूज़ करके कॉल बाय वैल्यू का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी जो पाइथन रिलेटेड वीडियोस और दूसरी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस है उनकी हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकें।